हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में मैं आपको हीट एंड ट्रायल मेथड से क्यूबिक पॉलीनोमियल को सॉल्व करना बताऊंगा। तो इसके लिए क्यूबिक पॉलीनोमियल का एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल है 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8। हीट एंड ट्रायल मेथड में फर्स्ट स्टेप हम ट्रायल करेंगे। तो ट्रायल किस नंबर्स पे करेंगे, पहले हमें जानना है 8 के फैक्टर्स क्या होंगे। तो फैक्टर्स ऑफ 8 1, 2, 4, 8 होगा, तो हम इसको प्लस माइनस के साथ लिखेंगे। प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3 एंड प्लस माइनस 4। हम इन्हीं नंबर्स पे ट्रायल करेंगे। पहले हम इसे लेट कर लेते हैं, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस। अब हम एक एक करके एक्स के प्लेस पर इन नंबर्स को रखेंगे। तो पहले हम पी ऑफ 1 निकालते हैं, 2, 1 क्यूब, टू माइनस 5 माइनस 14 प्लस 8 इक्वल टू माइनस 3 माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 9। पी ऑफ 1 इज नॉट इक्वल टू 0, सो अब हम पी ऑफ माइनस 1 निकालेंगे, 2 माइनस 1 क्यूब माइनस 5 माइनस 1 माइनस 1 क्यूब में माइनस मिलेगा तो माइनस 2, ये प्लस हो जाएगा, माइनस 5 प्लस 14 प्लस 8 इक्वल टू माइनस 7 प्लस 22 इक्वल टू 15। पी ऑफ माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 0। पी ऑफ 2, टू का क्यूब क्या होगा, 8, 8 2 जा 16 माइनस 4, 5 जा 20 माइनस 28 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 16, 8, 24 माइनस 48 इज इक्वल टू माइनस 24। हम तब तक इन वैल्यूज़ को पुट करते रहेंगे जब तक कि हमें पी ऑफ एक्स की वैल्यू 0 ना मिल जाए। सो अब x की प्लेस पर हम माइनस 2 रखेंगे, सॉल्व करते हैं, माइनस 16, 4, 5 जा 20 प्लस 28 प्लस 8 माइनस 36 प्लस 36 वी गेट 0 नाउ। सिंस पी ऑफ माइनस 2 इक्वल टू 0, हेंस माइनस 2 इज 1 ऑफ द 0 ऑफ पी ऑफ एक्स। माइनस 2 गिवन पॉलीनोमियल का एक 0 होगा। देयरफॉर एक्स प्लस 2 is one of the factor of px. If minus 2 is one of the zero of the px, therefore x plus 2 is one of the factor of px. तो ये तो ट्रायल था स्टेप 1 में। अब हम स्टेप 2 करेंगे, हीट। स्टेप 2 हीट में हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमें एक फैक्टर मिला है इससे हम गिवन पॉलीनोमियल को डिवाइड करेंगे। हमारा पॉलीनोमियल है जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें एक क्वोशेंट मिलेगा, बट यहाँ पर हम लोग कॉमन डिवीज़न नहीं करेंगे। कॉमन डिवीज़न का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया है और ऊपर आई बटन पर भी दिया है, वहाँ पे क्लिक करके आप कॉमन डिवीज़न कैसे करते हैं इसका वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग सिंथेटिक डिवीज़न का यूज़ करेंगे जिससे हम क्वेश्चन को आसानी से निकाल सकते हैं बहुत ही कम टाइम में। तो आइए हम सिंथेटिक डिवीज़न का यूज़ करते हैं। x प्लस 2 हमारा डिवीज़र है,
और जिसको हमें डिवाइड करना है वो है 2x³। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम गिवन पॉलिनोमियल के हर एक टर्म्स के कोफिशेंट्स को लिखेंगे, 2, -5, -14, 8। और हमारे पास x की एक वैल्यू मिल चुकी है, दैट इज़ -2, जो अभी आपने फाइंड किया। फर्स्ट स्टेप, हम 2 को एज इट इज़ लिख देंगे, फिर वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस 2 इनटू दिस -4, -9, 9 2 जा 18, पॉजिटिव 4। नेक्स्ट स्टेप, अगेन वी मल्टीप्लाई बाय -2, देन वी गेट -8, रिमाइंडर इज 0। दिस 3 नंबर्स गिव्स अस कोसेंट। आवर कोसेंट इज 2x² -9x +4। तो ये था सिंथेटिक डिवीज़न, जिसमें कि आपने कोसेंट बहुत ही आसानी से पा लिया। और अगर आप कॉमन डिवीज़न भी यूज़ करेंगे तो सेम कोसेंट मिलना चाहिए। यहाँ पर हम एक और अल्टरनेटिव मेथड पढ़ेंगे, जिससे कि आप यह कोसेंट ईजिली फाइंड कर सकते हैं, वो भी विदाउट कॉमन डिवीज़न। तो उसके लिए पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, 2x³ -5x² -14x +8। आपने पिछले स्टेप में नोट किया x प्लस 2 इज द फर्स्ट फैक्टर ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल। सो इस मेथड में हम करेंगे क्या, हमें सेम लाइन को नीचे लिखना है बट अनदर फॉर्म में। अगर हमें 2x³ लिखना है तो इस लाइन में हम एक पावर कम करके लिखेंगे और उसके बाद x प्लस 2 लिख देंगे। आइए देखते हैं, पहले हमें क्या लिखना है, 2x³, लेकिन हम लिखेंगे क्या, 2x², x प्लस 2 इसमें ऐड कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिल जाएगा 2x³ एंड प्लस का 4x², यहाँ पर हमें मिलना चाहिए माइनस का 5x², इसलिए हम माइनस का 9x² आगे लिखेंगे। हमें आगे क्या लिखना है, माइनस का 9x², लेकिन हम लिखेंगे क्या, माइनस का 9x और x प्लस 2 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो अब देखिए ये माइनस का 9x² और ये 4x² मिलके माइनस का 5x² दे देगा। यहाँ तक की वैल्यू मेंटेन हो गई। उसके बाद हमें एक्स्ट्रा क्या मिल रहा है, 9 2 18, माइनस का 18x। हमें चाहिए कितना, माइनस का 14x। इसका मतलब हमें 4x आगे ऐड करना है, तो प्लस 4x ऐड करना है, लेकिन हम लिखेंगे केवल 4, एक पावर कम करना है, और लिख देंगे x प्लस 2। अब इस लाइन में देखिएगा, अब हमें मिल गया 4x, जो 18x के साथ मिलके माइनस का 14x दे देगा, और 4 2 8 फाइनली हमें मिल गया। अब फिर से देखिएगा, ये तीन टर्म्स हैं, तीनों टर्म्स में क्या कॉमन है, x प्लस 2 को जब हम कॉमन ले लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2x² -9x +4। देख सकते हैं ये दोनों क्वेश्चन सेम है। अब हम हिट मेथड कर चुके हैं, तो फाइनली अब आप समझ रहे होंगे कि हमें क्या करना है। x की एक वैल्यू हमें मिल चुकी है, दैट इज़ -2, और बाकी के जो दो जीरोज होंगे वो हमें इसको फैक्टराइज करने पर मिल जाएगा। तो इसे फैक्टराइज करते हैं, 2x² -9x +4। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करने का भी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया और ऊपर आई बटन पर दे दिया है, आप वहाँ पर जाकर अच्छे से फैक्टराइजेशन की वीडियो को देख सकते हैं। फिर भी मैं इसमें कर रहा हूँ, क्या हो जाएगा फैक्टराइजेशन, 2x² -8x -x +4। कॉमन क्या ले लेते हैं फर्स्ट पेयर में से, 2x x-4 माइनस कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 1 कॉमन ले लीजिए, x-4। यहाँ पर याद रखिएगा कि इस माइनस को हम ब्रैकेट से बाहर कर रहे हैं, तो अंदर के साइन अपोजिट हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पे प्लस से माइनस हो गया। नेक्स्ट लाइन, x-4 दोनों में है, तो हम x-4 को फिर से कॉमन ले लेंगे।
दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 2x-1। फॉर फाइंडिंग जीरोस वी पुट x-4 2x-1 इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में x-4 इक्वल टू 0 और 2x-1 इक्वल टू 0। सो दोनों जीरोज हमें मिल चुके हैं, x इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 1/2। हेंस 3 जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल p ऑफ x आर x इज इक्वल टू -2 जो हमने पहले फाइंड किया था, x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 1/2। ये 3 जीरोज हमें मिल गए। तो आई होप आपको इस वीडियो में डिस्कस किए हुए सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। अगर इसके बाद भी आपके मन में कोई क्वेरीज हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। सो अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।